प्रभात, चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी, और हिंदी में आज पढ़ेंगे व्याकरण। और व्याकरण में पढ़ेंगे पत्र लेखन कि पत्र लेखन क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, पत्र लेखन के अंग कौन कौन से हैं, और पत्र लिखते समय हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए और हमको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इस विषय में आज हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि पत्र होता क्या है, पत्र किसको कहते हैं। तो एक व्यक्ति को अपनी भावनाओं को, क्या है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं को एक कागज के पत्र पर लिखकर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करना है। तो ऐसी प्रक्रिया को पत्र लेखन कहा जाता है। पत्र लेखन को चिट्ठी के नाम से भी जाना जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करता है, तो पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी उस पत्र का जवाब पत्र के द्वारा ही उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। पूर्व समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने का एकमात्र साधन पत्र ही था। और जब पत्र नहीं था, तब कबूतरों के माध्यम से ही एक दूसरे तक संदेश पहुंचाते थे। तो अपनी भावना, अपने संदेश, अपनी विचार को एक व्यक्ति से को प्रकट करने का माध्यम है पत्र, और जिसको हम साधारण भाषा में चिट्ठी भी बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि पत्र लेखन की परिभाषा क्या है। तो दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए, अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। क्या है पत्र? अपनी कुशलता दूसरों को बताने के लिए, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, और उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए पत्र एक अच्छा उत्तम साधन है। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है? पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते, तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए भी पत्र लिखना पड़ता है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है, इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप ले लेते हैं। ये कितना आवश्यक है पत्र, कितना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि फोन के द्वारा तो हम कैसी बात, अस्थायी बात करते हैं, लेकिन पत्र के द्वारा जो हम अपनी बातें करते हैं वह लिखित होती है। जैसे अगर बच्चे आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आप लिखना 2 दिन अवकाश देने का कष्ट करें, हमारे स्वास्थ्य खराब होने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हो। या फिर कुछ अपने ऐसे कार्य होते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी हम पत्र लिखते हैं। जैसे कि आगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए जिलाध्यक्ष को आवेदन पत्र लिखना, या फिर मोहल्ले में कहीं गंदगी व्याप्त है तो नगर निगम को आस पड़ोस की साफ सफाई, गंदी नालियों की सफाई के लिए प्रश्न लिखना। ये सब पत्र लेखन के अंतर्गत आते हैं। अब है कि पत्र का महत्व क्या है। तो पत्र अंग्रेजी विद्वान के कथन का आशय है कि जिस प्रकार कुंजियां बॉक्स खोलती हैं, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटलों को खोलते हैं। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। निश्चल भाव और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। पत्र लेखन 2 व्यक्तियों के बीच होता है, इसके द्वारा 2 हृदयों का संबंध दृढ़ होता है। अतः पत्राचार भी एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ
दो व्यक्तियों की भावनाओं को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है, जैसे पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, इस प्रकार के हजारों संबंधों के लिए यह मजबूत करता है। और व्यवहारिक जीवन में यह एक सेतु है जिससे मानवीय संबंधों की परस्परता सिद्ध होती है। अतः पत्राचार का बड़ा महत्व है। अब है कि अगर हम पत्र लिखते हैं तो उसके लिए कुछ आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। तो पत्र लिखते समय कुछ आवश्यक बातें हैं जिनका हमें ध्यान देना आवश्यक है। जैसे जिसके लिए पत्र लिखा जाए उसके पद के अनुसार शिष्टता पूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। शिष्टता पूर्वक पद के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर पत्र में हृदय के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होने चाहिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। पत्र की भाषा सरल और शिष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, उसके साथ साथ शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। पत्र में बेकार की बातें नहीं लिखनी चाहिए, उसमें केवल मुख्य विषय के बारे में लिखना चाहिए। पत्र में आशय व्यक्त करने के लिए छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए और पत्र लिखने के पश्चात उसे एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होनी चाहिए। पत्र प्रेषक, भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाले के नाम, पता आदि के स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए और पत्र के विषय में नहीं भटकाना चाहिए, यानी व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जिस विषय से संबंधित पत्र लिख रहे हैं हमको उसी के हिसाब से पत्र लिखना चाहिए। अनावश्यक दूसरे विषयों को उसमें नहीं घुसाना चाहिए या उल्लेख करना चाहिए। अब है पत्र की कुछ विशेषताएं हैं कि एक अच्छे पत्र की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। तो पत्र लेखन तो एक कला है, या सुगठित और संतुलित पत्र ही उत्तम माना जाता है। कैसा पत्र उत्तम माना जाता है? सुगठित और संतुलित पत्र ही उत्तम पत्र माना जाता है। पहली विशेषता है संक्षिप्तता। क्या है संक्षिप्तता? मतलब कि हम कम शब्दों में अपनी जो हमारी बातें हैं हम उसको पूर्ण करें। पत्र में विषय का वर्णन संक्षेप में करना चाहिए, एक ही बात को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। फिर दूसरा संतुलित भाषा का प्रयोग। तो पत्र में सरल बोधगम्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिन्हें पत्र पाने वाला समझता ना हो। तो सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग पत्र में लिखते समय करना चाहिए। फिर तारतम्यता। पत्र में सभी बातें एक एक तारतम्य में रखी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आवश्यक बातें छूट जाए और कम महत्व की बातों का अधिकांश भाग में प्रयुक्त हो जाए। पत्र में सभी बातें उचित क्रम में लिखी होनी चाहिए। क्रमानुसार लिखे, जो बातें आवश्यक है पहले हम उनका वर्णन करें, बाकी जो बातें उतनी अनिवार्य नहीं है उनको हम बाद में वर्णन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। फिर शिष्टता। पत्र में संयमित, विनम्र और शिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए। कड़वाहट भरे शब्द लिखना या अशिष्ट भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं। फिर सज्जा। पत्र को साफ सुथरे कागज पर सुलेख अच्छे अक्षरों में लिखना चाहिए, जिसमें तिथि, स्थान, संबोधन लिखने से पत्र में आकर्षण बढ़ जाता है। फिर पत्र के अंग। तो जो बातें सामान्यतः सभी पत्रों में होती हैं उन्हें पत्र के आवश्यक अंग कहते हैं। जो छह प्रकार के होते हैं, संबोधन और अभिवादन, जिससे हम शुरू करते हैं पत्र लिखना। सबसे पहले संबोधन से शुरू करते हैं। यह पत्र में बाईं ओर लिखा जाता है। पारिवारिक पत्रों में संबोधन लिखा जाता है, जैसे पूज्य पिताजी, भाई और स
तत्काल संबोधन की विधि निर्धारित होती है। क्या लिखते हैं सरकारी या व्यवसायिक पत्रों में? महोदय, प्रिय महोदय, अभिभाषक भी व्यक्ति के पद या मर्यादा के अनुरूप लिखा जाता है, जैसे सादर प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद आदि। पत्र भेजने की तिथि, अनौपचारिक पत्रों में भेजने वाले के पते के नीचे दिनांक को महीना सन लिखा जाता है, औपचारिक पत्रों में दिनांक सबसे नीचे लिखी जाती है। फिर पत्र की सामग्री क्या है? तो यह पत्र का मुख्य भाग है, इसी में समाचार, सूचना, आवेदन, आदेश की शिकायत आदि अलग अलग अनुच्छेदों में लिखी जाती है। और पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र लिखने वाले के द्वारा अपने संबंध या पद के अनुरूप शब्द भवति, आपका, आज्ञाकारी आदि लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर किए जाते हैं। फिर भेजने वाले का पता, तो बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। इससे पत्र प्राप्त करने वाले को पत्र भेजने वाले का सही सही पता ज्ञात होता है और उसे पत्र भेजने में कठिनाई नहीं होती। और पत्र पाने वाले का पता, पत्र समाप्ति के बाद पोस्ट कार्ड, अंतरदेशी पत्र तथा लिफाफे पर पत्र पाने वाले का स्पष्ट पता लिखा जाता, पते के साथ पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए। संबोधन में अभिवादन तथा पत्र के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के नाम। अभी हमने देखा कि पत्र लिखते समय कौन सी बातें आवश्यक होती हैं, पत्रों का महत्व क्या है, पत्र कैसे लिखा जाना चाहिए। अब है पत्रों के प्रकार, कि जो हम पत्र लिखते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर्स और अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर्स। क्या है पत्रों के प्रकार में? दो भागों में विभक्त किया गया, पहला औपचारिक फॉर्मल लेटर्स, दूसरा अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर्स। अब देखते हैं कि औपचारिक पत्र क्या है, फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। तो औपचारिक पत्र की खासियत यह होती है कि इसमें प्रार्थना पत्र, अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि। कार्यालयिक पत्र किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र आदि। व्यवसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं, ये शामिल होते हैं। औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। तो औपचारिक पत्र किस किस को लिखे जाते हैं? जैसे प्रार्थना पत्र अवकाश के लिए, शिकायत है, हमने अभी बताया था आपको कि गंदगी व्याप्त है तो हमको लिखना है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए सब शिकायती पत्र हो गए। सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र। कुछ ऑफिशियली कार्यालयीन पत्र होते हैं जो अलग अधिकारियों विभाग को लिखे जाते हैं, कुछ दुकानदारों को, व्यवसायिक होते हैं। अब देखते हैं कि औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं। अभी अपन ने देखा प्रार्थना पत्र जिसमें अवकाश, शिकायत, सुधार आदि लिखे जाते हैं। कार्यालय के पत्र है कि किसी सरकारी अधिकारी और विभाग को लिखे गए। व्यवसायिक पत्र में दुकानदार और प्रकाशक, दुकानदार है, प्रकाशक है, व्यापारी, किसी कंपनी आदि को लिखे गए पत्र। फिर प्रार्थना पत्र, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। ये अवकाश, शिकायत, सुधार और आवेदन के लिए लिखे जाते हैं। फिर ये दूसरा अपन ने देखा कि कार्यालयीन पत्र है, जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयीन पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। तीसरा है व्यवसायिक पत्र, किसको लिखे जाते हैं? दुकानदार, प्रकाशक और कंपनी, व्यापारी। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यवसायिक पत्र कहते हैं। अब है औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी आवश्यक है। तो पहले औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं,
क्योंकि ये प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र सरकारी, इसलिए ये नियमों में बंधे होते हैं। फिर दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में नवी तुली भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख कुशल क्षेम आदि नहीं पूछा जाता। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशील होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ में बाई ओर हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। पत्र को एक पृष्ठ को ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तात्पर्यता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। और यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको अपना नाम और पते के स्थान पर क, ख, ग, अ, ब, स, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड ऐसा लिखा जाता है। अब है औपचारिक पत्र के कुछ अंग हैं। तो पत्र प्राप्त का पदनाम तथा पता अपन लिखते हैं ना। फिर है विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतक में अपन लिखते हैं ना। प्रति या सेवा में लिखते हैं ना, सेवा में या प्रति में लिखते हैं। किसके लिए लिखा जा रहा है, प्रति प्राचार्य या कोई समस्यात्मक प्रश्न है या किसी अधिकारी को लिख रहे हो आप, तो वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद विषय विभाग में है तो आप किस विभाग के अधिकारी को लिख रहे वो लिखा जाएगा, या प्राचार्य को है तो आपके स्कूल का नाम आएगा, है ना। फिर विषय आएगा कि आपने किस विषय के लिए लिखा। आपने दो दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा, अवकाश पत्र लिखा है, या शुल्क मुक्ति का पत्र लिखा है, या कोई विभागीय पत्र है, किसी समस्या से संबंधित पत्र है। फिर संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है महोदय, माननीय आदि। विषय वस्तु, इसे दो अनुच्छेदों में लिखे हैं। पहला अनुच्छेद अपनी समस्या के बारे में लिखे, दूसरा आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखने के बाद धन्यवाद के साथ सब हस्ताक्षर व नाम, बगदिए बगदिया ये लिख के अपने हस्ताक्षर करें, प्रेषक का नाम, शहर, मोहल्ला, इलाका आदि और देना। अब है अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र में खास बात यह है कि यह पत्र एक दूसरे के बीच प्यार बढ़ाता है, क्योंकि इसमें पत्र लिखने वाले और पत्र को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के बीच मधुर संबंध होते हैं, जिससे इसकी भाषा और शैली संबंध के आधार पर तय होती है। अनौपचारिक पत्र पत्राचार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनसे पत्र लेखक का व्यक्ति या निजी संबंध होता है, लेकिन इनको घरेलू पत्र भी बोलते हैं। साधारण भाषा में अनौपचारिक पत्रों को घरेलू पत्र भी कहा जाता है। जैसे अपने मित्रों, माता पिता, अन्य संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है और व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते, जैसे बधाई पत्र। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, है ना, अक्सर आता है ये। फिर शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, अपने बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी में अपने मित्र को बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखिए। विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए पत्र और कोई सलाह आदि देने के लिए लिखे गए पत्र। अब पत्र लिखते समय कुछ सावधानियां हैं कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पत्र लेखन में आयु, योग्यता, उत्पाद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। सारगर्भित होना चाहिए, अच्छी लिखाई में लिखा होना चाहिए। पत्र में भाषा सरल होनी चाहिए। पत्र में विषय, दिनांक, भेजने वाले का नाम,
आदि स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। पत्र में कटाई छटाई मतलब लिख के काट दिया फिर लिख दिया, पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए, ज्यादा गंदा कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब बच्चों ये है आपके लिए गृह कार्य, आप करेंगे कि अपने प्राचार्य को निर्धनता का उल्लेख करते हुए शुल्क माफ करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये कौन सा पत्र हो गया जो आप शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे, ये कौन सा हो गया? औपचारिक पत्र हो गया, क्योंकि इसमें आपको आवेदन कर रहे हैं आप, तो ये औपचारिक पत्र है। किसको लिख रहे हैं? अपने प्राचार्य। बच्चों जो आपको आएगा प्रश्न आएगा आवेदन पत्र लिखना, उसमें सब दिया रहता है आपको, आप थोड़ा सा एकाग्र होकर धैर्य पूर्वक आप प्रश्न पढ़िए, आपको प्रश्न में ही सब मिल जाएगा। क्या आपको किसको लिखना है? प्राचार्य दे दिया, उसके बाद आपको विषय भी बता दिया कि आपका विषय क्या है पत्र लिखने का। पहले आपको दे दिया कि किसको लिखना है, आपके प्राचार्य। दूसरा क्या दे दिया? निर्धनता का उल्लेख करते हुए शुल्क माफ, शुल्क माफ कर दिया आपको। शुल्क माफ मतलब फीस माफ करने हेतु आवेदन पत्र। विषय दे दिया फीस माफ, अब क्यों फीस माफ करना वो भी आपके प्रश्न में दे दी। निर्धनता का उल्लेख करते हुए, निर्धनता मतलब गरीबी, निर्धनता का उल्लेख करते हुए आपको शुल्क माफ करने हेतु क्या लिखना है? आवेदन पत्र लिखना है। तो हर चीज आपके इसमें प्रश्न में है, आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, एकाग्र होइए, धैर्य रखिए, आपसे सब बच जाएगा, ठीक है? तो ये बच्चे आप होमवर्क में लिखेंगे। किसको लिखना है? प्राचार्य को लिखना। इसके स्थान पर अगर होता कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने के लिए अपने जिलाध्यक्ष महोदय को आवेदन लिखिए, तो आपको जैसे इसमें प्राचार्य लिखा उसमें क्या है जिलाध्यक्ष, तो जिलाध्यक्ष महोदय जबलपुर। फिर विषय भी है क्या कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर क्या लिख देंगे आप? ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु विषय आ गया। फिर जो आप बीच में लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे महोदय जी, फिर आप लिखेंगे निवेदन करता हूँ कि परीक्षा अवधि में, आपको सब बेटा प्रश्न में है, सिर्फ आपको लिखना है। तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे, कॉपी में भी नोट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, परीक्षा में बच्चों बहुत अच्छे नंबरों से आपको क्योंकि पास होना है।